शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए, तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए। तनिक सोचिए, जब आप एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करें तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर दें। आज मुझे साक्ष्य चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो? मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं माता। उन दो पर्वतों को देख सकते हो पार्थ? पर्वत? हाँ पार्थ, अब ये दोनों पर्वत स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके हैं। अति सुंदर। स्वर्ण वो वस्तु होती है पार्थ, जिसे हर कोई अर्जित करना चाहता है। और अब मैं ये कहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्रामवासियों में दान कर दो। परंतु पार्थ, एक बात का स्मरण रखना, इन पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार। आज्ञा दीजिए मां। ग्रामवासियों, मैं पांडु पुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूं, ये दोनों स्वर्ण मेरु समान मात्रा में विभाजित करके आप सबको दान में दिए जाएंगे। आप एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना अपना भाग लेकर आगे जाएं और विश्वास रखिए, सबको समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के। ये क्या है पुत्र, अब कौन सी समस्या उठा लाए अपने कंधे पर? हाँ पारिक, कौन है ये और इनकी ये दशा किसने की? चिंता ना करो माता,
ये केवल मूर्छित ही हुए हैं। परंतु कैसे? बस ये मुझे चुनौती देने की भूल कर बैठे। मुख से तो ये मूर्ख नहीं लगते, पर कार्य मूर्खों वाला कर बैठे। पिताश्री, 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 मारवी पानी लेके आओ। क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये पिताश्री है मेरे, तुम्हारे पितामह मध्य पांडव, महाबली भीम है ये, जिनका सम्मान करना चाहिए, उन पर प्रहार कर उनको अपमानित कर दिया। लज्जा आती है मुझे कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, जो तुमने किया वो मूर्खता नहीं पाप है। रुको, पिताश्री, मैं अपने मूर्ख पुत्र की ओर से क्षमा मांगता हूं। क्या ये मेरा पौत्र है? प्राणिपाद पितामह, अपनी उद्दंडता पर मैं लज्जित हूं। और मैं गर्वित हूं कि तुम मेरे पौत्र हो। जिस भीम को जरासंध भी परास्त नहीं कर पाया, उसे धूल चटाकर पार्वरिक ने यह सिद्ध कर दिया वो कुशल योद्धा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं ये जानकर कि तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त बह रहा है। जीते रहो पुत्र, आज बहुत समय के पश्चात तुमसे द्वंद करके मुझे बहुत आनंद आ गया। परंतु पिताश्री, आपके यहां आने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन है पुत्र, और वो प्रयोजन तुम्हें और पार्वरिक को सिद्ध करना होगा। आदेश दीजिए पिताश्री। कौरवों और हमारे मध्य महायुद्ध आरंभ होने वाला है। तुम मेरे वंश के वीर हो, हमारे पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे इस महायुद्ध में मेरे परिवार की आवश्यकता है। मुझे मेरे कुशल और बलवान पुत्र और पौत्र की आवश्यकता है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हम आपके आदेश के अनुपालन के लिए प्रस्तुत हैं पितामह। इस युद्ध में आपके लिए प्राण देना हमारे लिए गर्व की बात होगी। मेरा परिवार मेरे साथ है, तो इस महायुद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ये लोग तो पहले भी अपने भाग का स्वर्ण ले चुके हैं। ये लीजिए माते। पुत्र, ये युद्ध संसार के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध है, क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? माते, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? मैं एक योद्धा हूँ और मेरा जन्म एक दैत्य परिवार में हुआ है। युद्ध से भयभीत होना न एक योद्धा का धर्म है और न ही दैत्य का गुण।
आपके पुत्र का कौशल युद्ध में निसंदेह महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं नहीं जानता कि कौन उचित है और कौन अनुचित, कौन दोषी और कौन पीड़ित। मैं युद्ध लड़ूंगा तो केवल न्याय के लिए। अपने रण कौशल, प्रतिभा और साहस से सबको आश्चर्यचकित कर देगा आपका पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मैंने स्वयं को वचन दिया है माते कि युद्ध में मैं निर्बल पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। चलें पुत्र। अवश्य पिताश्री। रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करते हैं, कुछ समय पश्चात पुनः प्रारंभ करें। क्षमा चाहता हूं माधव, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी ये परीक्षा कब समाप्त होगी। अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं बांध पाया और थकान सा अनुभव कर रहा हूं। पार्थ, अभी तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ हुआ है और तुम इतना शीघ्र थक गए। थक तो मैं गया ही हूं माता, परंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं माता, परंतु अभी तक मुझे आपकी इस परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ नहीं आया। ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूं। इस कहानी का दूसरा कोण तुम्हारे समक्ष लाता हूं। अब तुम्हें स्वर्ण नहीं बांटना है, बस यहां खड़े रहकर जो कुछ भी घटित होगा उसका साक्षी बनना है। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त रे आत्मबल भरे जीते हर बार हगण सू। प्रणिपात वासुदेव, आदेश कीजिए कि कैसे आपने मुझे स्मरण किया। मित्र, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मुझे। बड़े समय से इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं उसके विषय में सोच रहा था, तो तुम्हारा स्मरण हो आया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए योग्य समझा। वो तो स्वर्ण पर्वत देख सकते हो मित्र। अब इन स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है और मैं चाहता हूं कि इन स्वर्ण पर्वतों को तुम समान मात्रा में बांटकर इन ग्रामवासियों में दान कर दो। परंतु एक बात का स्मरण रखना मित्र, इन दोनों स्वर्ण पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। क्यों आदेश वासुदेव। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ये दोनों स्वर्ण पर्वत अब आपके अधीन हैं। आप सब जाकर
इस सारे स्वर्ण को आपस में समान भाग में बांट लें। जाइए। तुम्हें ये स्वर्ण इन ग्रामवासियों में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्रामवासियों की भांति ही स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। कदाचित तुम स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान से इस स्वर्ण को इन लोगों में दान किया, परंतु तुम्हें इसका ज्ञात नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। और कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार्थ। और ये सब ग्रामवासियों में दान करके वो वापस लौट गया। पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व है, उसके मन में वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि तुम्हारा न्याय पूर्वक ये स्वर्ण दान करने के लिए ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और कर्ण के मन केवल कर्म करने की इच्छा थी पार, फल पाने की नहीं। ये वितरांग गुण, ये विरक्ति मनुष्य का लक्ष्य पाने, उसका दान करने के संकल्प को दर्शाता है। एक समय था पार कि तुम केवल चिड़िया की आंख को देखते थे, परंतु आज तुमने केवल चिड़िया की आंख को नहीं, पूरी चिड़िया को देखा। उसकी चाह पूर्ण करने की राह को देखा। और यही अंतर है तुम में और कर्ण में पार, वही अंतर जो एक सामान्य मनुष्य और विशेष मनुष्य में होता है। मैं आपका तात्पर्य समझ गया माता, और ये भी समझ गया कि आपके हृदय में कर्ण का स्थान मेरे स्थान से ऊपर क्यों है। नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। तुम भी मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितना प्रेम, जितना सम्मान मेरे हृदय में कर्ण के लिए, उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान तुम्हारे लिए भी मेरे हृदय में है पार। परंतु कर्ण के प्रति मैं तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना चाहता हूं। जिस प्रकार, जिस दृष्टि से मैं कर्ण को देखता हूं, उसी दृष्टि से तुम्हें भी दिखलाना चाहता हूं पार। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता था पार कि क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। मैं समझ गया माता, अब धन्य है। बड़ा दानवीर है ये कर्ण वासुदेव। आपकी परीक्षा तो पूर्ण हो गई, अब मेरी बारी। अब मैं बताऊंगा कि दानवीर होने के नाम पर कितना बड़ा ढोंग कर रहा है ये कर्ण। अब केवल अर्जुन को ही नहीं, पूरे संसार को ज्ञात होगा ये सूर्य पुत्र कर्ण
कितना महान दानवीर है। मित्र, तुम्हारी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी इस दानवीरता की सबसे विकट परीक्षा अभी शेष है मित्र, और उस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। तुम्हारी उस परीक्षा के समक्ष मेरी ये परीक्षा मानो बालकों का खेल सिद्ध होगी मित्र, सावधान रहना। आप जानते नहीं कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं, कि आपको मेरी चिंता है, कि मैं आपके मन में बसता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यदि मैं अपने प्राणों को भी दान में दे दूं, तब भी सदा मैं धनी रहूंगा। कड़ी बात वासुदेव।